ऑल राइट गाइस, ए लेवल कंप्यूटर साइंस 9618 का पेपर नंबर 4। अच्छा, पेपर नंबर 4 के अंदर आपको ये डिफिकल्टी होती है कि हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, पेपर नंबर 4 में क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो याद रखिएगा, पेपर नंबर 4 की मैं आपको बिल्कुल टिप्स एंड टेक्निक और बिल्कुल शुरुआत से बताने जा रहा हूं, तो आइए जरा सुनिएगा। पेपर 4 के अंदर कैम्ब्रिज आपको रिकमेंड करता है कि आप इन तीन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग सीख लें। लैंग्वेज नंबर 1 पाइथन, लैंग्वेज नंबर 2 विजुअल बेसिक, लैंग्वेज नंबर 3 जावा। अब हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि या तो आप पाइथन पे सीखें प्रोग्रामिंग या विजुअल बेसिक पे सीखें। मैं आपको एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर आपको पाइथन सिखाऊंगा। पाइथन के लिए आपको आईडी सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा। आईडी सॉफ्टवेयर क्या होता है उसकी एक अलग वीडियो में बता दूंगा। आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप लैंग्वेज को यूज करते हैं। फॉर पाइथन आई वुड रिकमेंड आप एटम पे काम करें या एनाकोंडा पे काम करें। एंड अनदर मेथड इज माई ऑनलाइन वेबसाइट कंपाइलर विच इज www.theakikhan.com/python.php। बच्चों, यहाँ पर जाके आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस मेरी वेबसाइट पर जाएँ और वेबसाइट पर जाके आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पाइथन का कंपाइलर बनाया हुआ है। आप उस कंपाइलर पर जाएँ और कंपाइलर पर जाके कोडिंग कर सकते हैं और उसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक और तरीका होता है। पाइथन को आप किसी भी ब्राउजिंग वेबसाइट पे इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि होगा क्या, उस पर बेसिक प्रोग्राम तो बन जाएंगे बट जब टेक्स्ट फाइलिंग के काम होगा या टेक्स्ट फाइलिंग का कोड होगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको तीन फाइलें दी गई होंगी। पहली फाइल जो होगी वो होगी एविडेंस डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि जिसमें आप जो भी कोडिंग कर रहे होगे ना वो जाके एविडेंस और डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट करोगे। दूसरी फाइल जो आप बनाओगे, आप जो फाइल बनाओगे अपने आईडी सॉफ्टवेयर पे वो .py पाइथन की फाइल होगी। और बच्चों, तीसरा आपका पेपर होगा। पेपर एग्जाम के अंदर तो हार्ड कॉपी में होगा बट जब आप नेट से डाउनलोड कर रहे होगे या पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो वो पीडीएफ में होगा। याद रखें, आपके पास तीन फाइलें, फाइल नंबर 1 एविडेंस और डॉक्यूमेंट, फाइल नंबर 2 जो आप प्रोग्रामिंग करते हुए .py पाइथन की फाइल बना रहे हो, और फाइल नंबर 3 आपके पास क्या है, जो आपके पास पेपर है उसकी फाइल है। चलिए, जब आप पाइथन की तैयारी कर रहे होंगे तो पहला टॉपिक जो आपको करना होगा वो होंगे पाइथन की बेसिक्स, जो मेरी वीडियो से आप लोग देख लेंगे। दूसरा, आपको सारे सर्चिंग एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, एटलीस्ट ये तो आप करेंगे। दूसरा, आप आ जाओ सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में आपको देखना होगा बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट और इसके अलावा जो भी है। उसके बाद बच्चों, जो टेक्स्ट फाइलिंग मैंने आपको बताई, टेक्स्ट फाइलिंग आपको दी हुई होगी, कैसे उस टेक्स्ट फाइल में डेटा रखेंगे और कैसे उस टेक्स्ट फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एरेज को यूज करना आना चाहिए। उसके बाद फैक्टोरियल के प्रोग्राम आपको करना आना चाहिए। उसके बाद रिकर्जन मेथड आपको आना चाहिए, रिकर्जन के प्रोग्राम आपको करना आना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अच्छा पेपर 4 के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक महीना लगता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने में, उसको अप्लाई करने में, उसके पास पेपर सॉल्व करने में। सारे के सारे पास पेपर आप सॉल्व करिएगा, इन्हीं टॉपिक्स में से पास पेपर आएंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरी YouTube पे जो पूरी प्लेलिस्ट है, जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पाइथन की बेसिक्स की, तो वो बेसिक्स लाजमी करिएगा। और मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी आईडी सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल करके पाइथन को यूज करेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि कंसोल मोड पे हमें पेपर में करना होगा या आईडी वहां पर अवेलेबल होगा। अच्छा, याद रखिएगा, एग्जाम जब हुआ 2023 का, तो उसमें एग्जामिनर ने मई जून के एग्जाम से पहले इस बच्चों को ईमेल करी, अपने सेंटर में ईमेल करी और उनसे पूछा कि आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सब बच्चों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में अपना आईडी, मन पसंदीदा आईडी सॉफ्टवेयर लिख दिया। जब वो एग्जाम देने गए तो उनको उस लैपटॉप पे वही मन पसंदीदा आईडी या एटम आपको मिल गया। तो याद रखिए, एग्जाम में आपको आईडी मिलेगा, उस आईडी पे आप अपने एरर्स को, बग को रिमूव करके, अपना कोड लिख के एविडेंस और डॉक्यूमेंट में उस पार्ट को पेस्ट करेंगे और अपना एग्जाम कंप्लीट करेंगे। तो आईडी सॉफ्टवेयर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, कंसोल पे काम करना जरूरी नहीं है। अच्छी बात है अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर हो तो।
अच्छा पेपर फोर के अंदर आपके पास एक वर्ड की फाइल होगी, उस वर्ड की फाइल को बोलेंगे एविडेंस डॉट डॉक्यूमेंट, ठीक है, एविडेंस डॉट डॉक, यानी कि आप जो भी कोडिंग कर रहे होंगे उसको फाइनली उठा के उस डॉक्यूमेंट फाइल पर जाके क्या करोगे, पेस्ट करोगे। दूसरी फाइल जो आपको दी भी होगी एग्जाम के अंदर भी और आपके पास पेपर के अंदर भी जिप फोल्डर में, जिप फाइल के अंदर आपको जो दी भी होगी वो होगी क्या, टेक्स्ट फाइल, जिसमें डेटा तुम या तो अपने पाइथन प्रोग्राम से उस टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा पुट करोगे या अपने पाइथन प्रोग्राम में उस टेक्स्ट फाइल से डेटा लेके आओगे, ठीक है। तीसरी फाइल जो आप खुद बनाओगे, वो जो खुद बनाओगे वो होगी आपकी पाइथन की फाइल, क्या होगी आपकी डॉट पी वाई फाइल, यानी कि टोटल तीन फाइल होगी। नंबर वन एविडेंस डॉट डॉक्यूमेंट, जिसमें तुम जो भी कोडिंग करोगे फाइनली एविडेंस डॉट डॉक्यूमेंट में जाके रख दोगे। दूसरा एक टेक्स्ट फाइल जो सेम डायरेक्टरी में रखी हुई होगी, या तो आप उस टेक्स्ट फाइल से डेटा लाओगे एग्जामिनर आपको बताएगा, या आप पाइथन से उस टेक्स्ट फाइल में डेटा पुट कर दोगे। और नंबर थ्री क्या होगा, नंबर थ्री वो आपकी वो पाइथन की फाइल जिस पे तुम कोडिंग करके रन करके टेस्ट कर रहे हो। तो ये तीन फाइलें आपके पास होंगी। चौथी फाइल जो आप पास पेपर होगा उसको मैं कोई फाइल नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप फिर भी बोलना चाहते हो तो एक आपके पास पीडीएफ पास पेपर या क्वेश्चन पेपर की फाइल होगी और एग्जाम के अंदर वो आपको हार्ड कॉपी में देगा। अच्छा बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्लासेस में बैठेंगे और सर का लेक्चर लेंगे, अच्छा लेक्चर लेने के बाद हम घर चले जाएंगे और सो जाएंगे और हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरी क्लास भी ले रहे हैं तो उस क्लास के बाद आपको अपने घर पे जाके अपने लैपटॉप पे एक आईडी सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल करना है और उसपे उस कोड को लिखना है। अच्छा अब आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं एग्जाम में वो क्या करते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन में वो गलती ये करते हैं कि जो टीचर ने लिखवा दिया उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और कोड रन हो गया और खुशी खुशी बाहर आ गए। भाई ऐसा नहीं है, उस कोड को अपनी लॉजिक से भी रन करें, उस कोड को बगैर देखें अपने माइंड से अप्लाई करें और देखें आ रहा आया वो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, आया वो आप उसको अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा कोड खुद लिखने की तैयारी करें, कोड खुद से लिखें, खुद से लिख के जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने टीचर से डिस्कस करें। और याद रखें कोडिंग जो है वो आपको आनी चाहिए, आप कॉपी पेस्ट वाले पर्सन नहीं बनिएगा। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपकी कोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम के दौरान। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग पाइथन तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर और दिए हुए लिंक पे कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर पेपर फोर ऑफ ए लेवल कंप्यूटर साइंस।